हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन। यूनिट 3 का पार्ट है ये, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि आपने इस टॉपिक को लाइव देखा है। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो हम सब ने उसे लाइव देखा था। सो डीमोनेटाइजेशन मीन्स क्या होता है? जो भी हमारी करेंसी चल रही है सर्कुलेशन में, उसे उस लीगल टेंडर स्टेटस को कैंसिल करना। डीमोनेटाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ कैंसलिंग द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ द करेंसी यूनिट इन द सर्कुलेशन। क्या हुआ था डीमोनेटाइजेशन में? जब 8 दिसंबर 2016 को 8 o'clock प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया था कि अब रुपीज 500 और 1000 के नोट जो हैं लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। साथ में उन्होंने ये बोला था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर 500 और 1000 के रुपी नोट्स जो है वहां पर एक्सेप्ट नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट नहीं होंगे। 30 दिसंबर 2016 तक लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कराए अपने 500 और 1000 रुपी नोट को और करेंसी को बैंक से चेंज कराया। डीमोनेटाइजेशन की हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ था 1946 में with a complete ban of rupees 1000 and 10000 notes to deal with the unaccounted money, that is black money. Aur second time ye hua tha 1978 mein by government headed by Morarji Desai, when rupees 1000, 5000 and 10000 notes were demonetized. The aim of demonetization was, demonetization ka main aim hai corruption ko control karna, aur jo hamara money इलीगल एक्टिविटीज में यूज हो रहा है उसे रोकना और साथ ही ब्लैक मनी को रोकना। दीज आर द फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस, चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, एम्स टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। सो फर्स्ट फीचर है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। In it, the cash holding arises from declared income was readily deposited in the bank and exchanged for new notes. But those with black money had declared their unaccounted wealth and pay taxes at the penalty rate. आपने देखा भी होगा 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो काफी लोगों ने अपने जो भी उनके पास मनी थे, मतलब 500 और 1000 रुपी नोट थे जिसका उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ था, उन लोगों ने वो मनी ऐसे ही फेंक दिए थे। कई हमने न्यूज में सुना था कि कई लोगों ने अपने पैसे जो है वो रिवर में फेंक दिए थे। तो इस सारे अनअकाउंटेबल वेल्थ पर उन्हें पेनल्टी पे करनी पड़ी थी। नेक्स्ट वन इज, इट इज अ मेथड टू चेक टैक्स इवेशन। इवेशन मीन्स क्या होता है? टू अवॉइड समथिंग। So through this action, government indicating tax evasion with no longer be tolerated or accepted. कि जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, जो लोग टैक्स को अवॉइड करते हैं, वो चीज जो है अब टॉलरेट नहीं होगी और एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इट इज अ मेथड ऑफ चैनलाइज सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। मीन्स लोगों ने अपने मनी को बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया था, तो इससे क्या हुआ? बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, however interest rate decrease. It is effective method to create less cash or cash light economy, means cash ka use kam se kam ho, sab kuch digitalize ho gaya, jaise aajkal paytm use hota hai. This method convincing the people to shift from cash transaction to digital transaction to pay tax honestly according to the rule prevailed in our country. Impact of demonetization, kya impact raha hai? Ek to मनी और इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट रहा? डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन कम होगी, इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट, लोगों के पास जो भी मनी था उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग एंड इंटरेस्ट रेट डिक्रीज। इंटरेस्ट रेट जो है गवर्नमेंट ने डिक्रीज कर दिया था। नेक्स्ट वन इज प्राइवेट वेल्थ पर क्या इफेक्ट रहा? डिक्लाइंड प्राइवेट वेल्थ जो है वो डिक्लाइन हुआ सिंस सम हाई डिनोमिनेशन नोट वर नॉट रिटर्न्ड। नेक्स्ट इम्पैक्ट है पब्लिक सेक्टर वेल्थ पर, कोई इफेक्ट नहीं रहा इसका। डिजिटलाइजेशन हो गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो इंक्रीज हो गई, रियल एस्टेट के प्राइसेस डिक्लाइन हो गए थे एंड टैक्स कलेक्शन इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज डिस्क्लोजर। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।